हाय। तो आज हम बना रहे हैं ब्रोकली सूप। मैंने अपने चाची के घर पे पहली बार पिया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। गॉट दी रेसिपी फ्रॉम हर एंड देन विद अ फ्यू ट्वीक्स आई चेंज द रेसिपी टू माइन। ये मैंने कुक कर लिया, तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया, नॉट मच, थोड़ा ज़्यादा। दिस वुड बी आई थिंक अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ये मैंने इसको चारों तरफ घुमा लिया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इस पे प्याज रख दूंगी। ओके हियर वी गो। ये मैं गार्लिक डाल दिया है। दिस इज माय ब्रोकली व्हिच आई हैव वॉश्ड, कट इनटू फ्लोरेट्स एंड वॉश्ड। ये मैं ऊपर डाल दूंगी। ये मैंने दो ब्रोकली ली है एंड कुकर का ढक्कन फॉर लंच 1 सीटी का वेट करते हैं। सो वेरी यमी एंड हेल्दी सूप, माय किडो लव्ड इट। बहुत सिंपल और इजी। सो नाउ वी वेट जब तक सीटी आए। क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये हमारा दूध, सही। सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स ऑल। सॉल्ट, पेपर, मिल्क, ब्रोकली, प्याज एंड गार्लिक और कुछ भी नहीं। अगेन दिस इज अ वेरी फास्ट बनने वाला सूप। मुझे जो काम फटाफट हो जाए ना वही अच्छे लगते हैं। द लॉन्गर द प्रोसेस आई टेंड टू गेट बोर्ड। ये आई यस। यस, पानी नहीं डाला है, नीचे तेल है, जल जाएगा। मैंने इसीलिए डाला था कि थोड़े से प्याज ब्राउनिश हो जाए, कैरामलाइज। बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं वो सूप को। इसमें से वो आवाज़ आनी शुरू हो गई है, तेल पे वो प्याज है। उप्स, ये मैंने विसल निकाल दी, सॉरी। ऑलवेज गो बाय द स्मेल ऑल्सो। I'm not sure if you can hear this खटर पटर जो कुकर के अंदर से आ रही है। मैंने 2 सीटी ले ली है क्योंकि मेरी ब्रोकली की आज क्वांटिटी थी। 3 इसलिए निकाल रही हूँ ताकि ब्रोकली का कलर रिटेन हो। ज्यादा देर कुक करने से और बंद रहने से उसका कलर उड़ जाएगा। हमने पहले तेल लिया, उसमें मैंने प्याज डाला, गार्लिक डाला, ब्रोकली डाली और हल्का सा आप चाहो तो पानी डाल सकते हो। हाफ अ कप वाटर डालो। एक एक सीटी बजा लो अगर एक छोटी ब्रोकली है, और अगर बड़ी 2 ब्रोकली है तो 2 सीटी। रिमूव द स्टीम, ओपन द कुकर। देखिए कितने अच्छे से ये प्याज कैरमलाइज हो गए हैं। ज़्यादा कढ़ाई में करने से बहुत टाइम लगता है और गैस जलती है, ये जल्दी से हो गया है। एंड माई ब्रोकली के लिए सी द ब्यूटिफुल कलर, देखिए कितने आराम से कट हो रही है। नाइस। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एडिंग इन दी मिल्क। हम इसे पानी नहीं मिलाएंगे, ये हम दूध से बनाते हैं वाला सूप। और ब्लेंडर चला लेंगे अब हम इसमें। ब्लेंडर आप कढ़ाई में भी कर सकते हो। इफ यू डोंट लाइक कैरामलाइज अनियन तो हल्का सा भून के आप सारा चीज कर सकते हो। बट माय किडो लव्स द कैरामलाइज अनियन फ्लेवर। एंड एंड ऑफ द डे ऑल माई कुकिंग इज चेंज्ड और फॉर हिम।
फॉर हिज टेस्ट. अभी इसमें और भी दूध डालेगा, मैं थोड़े दूध से ही पीस इसको इजीली. ओके, मेरा ब्लेंडर खराब हो गया था. इट वॉज सच अ लवली ब्लेंडर फ्रॉम ब्राउन और ब्लैक एंड डेकर, आई डोंट रिमेम्बर. आई यूज इट फॉर 12 years एंड इट वॉज ऑसम. वो खराब हो गया एंड आई गॉट सम अदर ब्लेंडर. इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. दैट वॉज हॉरेबल. पहले दिन में यस, मर्फी रिचर्ड्स. आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद मर्फी रिचर्ड्स. पहले दिन यूज करते ही उसमें गर्म हो गया इतना कि मेरा हाथ जल गया एंड द मशीन फेल अपार्ट. वी हैड टू थ्रो इट इमीडिएटली. सो आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडर विच माई मॉम हैज सेंट. कि जब तक ब्लैक एंड डेकर नहीं मिल जाता तब तक ये यूज करो. स्टिल नॉट वेरी हैप्पी विद दिस ब्लेंडर. देखिए मिक्सी में भी कर सकते हो आप वेरी इजीली, बट आई एम अ लेजी वन. क्यों और बर्तन करें, उतना ही पानी वेस्ट होगा उनको. एक ब्लेंडर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, बट लीस्ट आई एम सेविंग सम मोर वाटर. इस सूप को हम लोग छानेंगे नहीं, इसे बस अच्छा सा पीस के इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड करके रेडी टू सर्व. क्योंकि मैं ब्लेंडर कुकर खोलते ही चलाती हूँ इसलिए मैंने ठंडा दूध यूज किया, आई हैव नॉट यूज्ड हॉट मिल्क. Hardly 15-20 minutes and your soup will be ready. Half an hour. I forgot cutting vegetable. But that's easy. Broccoli ke to bade bade chunks. Let me show you the consistency. ये थोड़ी देर में काफी गाढ़ा हो जाएगा. मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर एज पर योर टेस्ट. ज्यादा मसाले कुछ भी नहीं चाहिए हमें इसमें. वेरी सिंपल, सॉल्ट एंड पेपर गिव्स यू बिग बैंग. A beautiful broccoli recipe. Please do try and let me know. Thank you.